वेलकम टू माय चैनल देख सके एंड सी। तो फ्रेंड आज मैं बिगिनर्स के लिए बुनाई सिखाने जा रही हूँ। तो फर्स्ट हम ऐसे करके उल पकड़ेंगे और फिर उल के बिल्कुल सिंपल मेथड के साथ मैं सिखाने जा रही हूँ। तो उल के ऐसे करके आगे इस तरह से एक नट लगाएंगे। अब जो नीडल है इसे लेफ्ट हैंड से पकड़ के इसमें इस तरह से फंसाएंगे और फिर राइट हैंड के थंब से ये देख रहे हैं ऐसे करके ट्विस्ट करके इस तरह से स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। बिल्कुल सिंपल मेथड के साथ जो भी बुनाई सीखना चाहते हैं कृपया आप मेरे वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आप आसानी से बुनाई सीख जाओगे। इसी तरह से स्टिचेस कास्ट ऑन करना है। अब स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद सेकेंड स्टेप में हम दूसरे नीडल लेंगे और फिर इसके यहाँ से राइट हैंड में हम नीडल जो नीडल से हम बुनेंगे उसे राइट हैंड में पकड़ा है राइट हैंड से तो इसके यहाँ से ध्यान से देखिएगा इस तरह से इसे लगाएंगे और फिर ये जो यार्न है इसे यहाँ से नीचे से इस तरह से एक बार इसे लपेट कर इसके बीच में से इस तरह से निकलेंगे। निकल लिया। अब जो ये है फर्स्ट इसे उतारेंगे फिर से यहाँ से लेफ्ट साइड से इस तरह से राइट के साइड जाएंगे और फिर ऐसे करके यार्न एक बार लपेट के इसे निकालेंगे और अब इसे छोड़ देंगे। फिर से ये सीधा पैटर्न होगा। ये बुन लिया इसे छोड़ेंगे फिर से सेकेंड रो फर्स्ट स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद इसी तरह से बुनना है। अब ये लास्ट स्टिच इसे भी इस तरह से लगाकर एक बार यार्न नीडल में लपेटेंगे ऐसे करके नीचे से और इसके बीच में से यहाँ से इसे करके निकल कर इसे छोड़ देंगे। ये सीधा रो है। अब इसे पलट लेना है। अब इस साइड से उल्टा बुनेंगे उल्टी साइड है उस अब उल्टी साइड बुनने से ये जो नीडल है इसे इस तरह से लगाएंगे इसे ऊपर से और यार्न भी ऊपर ही रखना है। फिर से नीचे से इस तरह से घुराकर इसे यहाँ से उतारेंगे और इसे फिर से छोड़ देंगे। फिर से ये हो गया ऊपर से ही फिर इसे ऐसे करके लपेट कर निकालेंगे फिर से इसे छोड़ देंगे। तो बस इतना ही। ये उल्टा है ये सीधा है। फिर से उल्टा रो कंप्लीट करने के बाद सीधा बुनना है फिर से उल्टा बुनना है। आप बस इसी तरह से बुनते हुए जाएंगे तो आप बुनाई सीख जाएंगे। ये बुन लिया ऐसे करके आप बनाते हुए जाएंगे। थोड़ा बड़ा तो टेबल कवर या फिर थोड़ा कुछ कप सब रखने के लिए डाइनिंग टेबल में ऐसा हो ही जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।